दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही छोटा प्लान देखने वाले हैं, लगभग 20 फीट बाय 20 फीट का, मतलब 400 स्क्वायर फुट का। और यहाँ पर इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर, काफ़ी अट्रैक्टिव जो है डिज़ाइन बनाया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो है डिज़ाइन आप देख सकते हैं, लगभग 20 फीट बाय 20 फीट में बनाया है, मतलब 400 स्क्वायर फुट में एक काफ़ी बड़े और बेहतरीन सा प्लान हमने बनाया था। ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का दोनों प्लान मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और अंदर से ये पूरा पूरा जो है डिज़ाइन किस टाइप में रहेगा, मतलब किस टाइप में इसके रूम के साइजेस वगैरह रहेंगे, पूरा प्लानिंग कैसा रहेगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया प्लान है, आपको आपके प्लान के लिए या आपके छोटे प्लान के लिए इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो आइडिया जरूर आएगी। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिजाइन और उसी के साथ साथ में होम डिजाइन के बारे में हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो सबसे पहले प्लॉट का साइज समझ लेते हैं। देखिए, प्लॉट का साइज जो है 20 फीट जो इस प्लॉट का फ्रंट है और 20 फीट जो इस प्लॉट का लेंथ है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा जगह छोड़ी गई है, मतलब कंस्ट्रक्शन जो है हमारा 20 फीट बाय 20 फीट में किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 7 फीट की जगह एक्स्ट्रा छोड़ी गई है, मतलब 20 फीट बाय 27 फीट में ये जो है पूरा का पूरा जो है प्लान किया गया है। लेकिन 20 फीट बाय 20 फीट में भी ये जो है पूरा पूरा जो है कंस्ट्रक्शन बैठ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारा पार्किंग का एरिया बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर स्टेप चढ़ के यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं हमारे हॉल में। यहाँ पर हमारा मेन डोर रहेगा, यहाँ पर एक विंडो है, इस साइड में भी विंडो है, आप देख सकते हैं। ऊपर जो है काफ़ी अच्छी और बेहतरीन सी बालकनी बताई गई है, ये पोर्च बताया गया है। और ऊपर भी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव और मॉडर्न टाइप का सिंपल सा डिज़ाइन बनाया गया है। तो चलिए इसका जो है अंदर से किस टाइप पर बनाया था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस टाइप में हमारा प्लॉट है, 20 फीट जो इसका प्लॉट का फ्रंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 फीट 6 इंच है यहाँ तक और 27 फीट 3 इंच है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस टाइप में जो ये जो है हमारा प्लिंथ रहेगा, आप देख सकते हैं 20 फीट बाय 20 फीट का जो है हमारा प्लिंथ रहेगा, 20 फीट बाय 21 फीट 6 इंच का, ठीक है। लेकिन 20 फीट बाय 20 फीट में भी ये जो है पूरा पूरा जो है एडजस्ट हो सकता है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे कॉलम जो है इस टाइप में रहेंगे, आप देख सकते हैं, और इस टाइप में हमारे जो है दीवारें रहेगी। तो आप देख सकते हैं, इस टाइप में ये जो है पूरे पूरे जो है रूम के साइज बताया गया है, जिसमें से हम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा हॉल है और यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम है और यहाँ पर एक किचन, यहाँ पर बेडरूम है। पूरा डिटेल डायमेंशन हम देखने वाले हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी स्टेयरकेस बताए गए हैं अंदर से और डोर के और विंडोज़ के पोजीशन बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है, आप देख सकते हैं सीढ़ी जो है ऊपर चल जाएगी यहाँ से, और इसके नीचे जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको टॉयलेट मिलता है यहाँ पर। और इस साइड में अगर हम देखेंगे तो बाथरूम का डोर हमारा यहाँ पर है और इस साइड से हम बाथरूम यूज़ करेंगे, ठीक है। यही हमारा बाथरूम और ये हमारा टॉयलेट रहेगा, और यहाँ पर किचन और यहाँ पर हमारा बेडरूम है और यहाँ पर हॉल है, ठीक है। मतलब 1 BHK जो है ग्राउंड फ्लोर पर एडजस्ट किया गया है। इसलिए साथ साथ इसके डायमेंशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर हॉल का साइज जो हमको 9 फीट 2 इंच 14 फीट 1 इंच का मिलता है यहाँ तक, और उसके अलावा जो है इस साइड में एक्स्ट्रा जगह मिलती है। स्टेयरकेस के नीचे का जो है पूरा पूरा जगह हम स्टोर के लिए, मतलब सामान कुछ सामान स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारी सीढ़ी जो है आप देख सकते हैं हॉल के अंदर से ही बताई गई है, आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है और इस यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से फिर से ऊपर चल जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। इस साइड में 3 फीट 9 इंच की जगह है, यहाँ पर 9 फीट 2 इंच की जगह है। और अगर यहाँ पर आते हैं तो देखिए, हमारा किचन जो है 6 फीट 2 इंच बाय 9 फीट 8 इंच का है, और यहाँ पर जो हमारा बेडरूम है 9 फीट बाय 10 फीट का है। किचन को जो है पीछे एक साइड में एक विंडो है और राइट साइड में भी एक विंडो बताया गया है, क्योंकि 20 फीट बाय 20 फीट के अलावा जो है आजू बाजू में जो हमको एक्स्ट्रा जगह छोड़ना पड़ेगी वेंटिलेशन के लिए। तो पीछे आप देख सकते हैं टॉयलेट बाथरूम के वेंटिलेशन बताया गया है, और इस साइड में हॉल को विंडो बताया गया है, फ्रंट साइड में भी विंडो बताया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है हमारा स्लैब रहेगा, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे फर्स्ट फ्लोर का जो है कॉलम रहेगा इस टाइप में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे जो है वॉल रहेंगे ऊपर के फ्लोर के लिए, ठीक है। तो ऊपर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्टेयरकेस से जो है हमारी एंट्री यहाँ पर होती है इस पोर्शन में, और यहाँ पर जो है कॉमन टॉयलेट बताया गया है, और यहाँ पर जो है जो किचन था नीचे, यहाँ पर एक बेडरूम बताया गया है, और इस साइड में भी एक बेडरूम बताया गया है, आप देख सकते हैं। इसका डोर जो है यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर जो है सुंदर सी बालकनी बताई गई है, मतलब पोर्च बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पोर्च रहेगा 9.5 फीट बाय 6-7 फीट का रहेगा, और यहाँ पर 4 फीट बाय 5 फीट 8 इंच का जो है हमको टॉयलेट बाथरूम मिलता है, 9 फीट बाय 9 फीट 8 इंच का जो है हमको बेडरूम मिल रहा है, और यहाँ पर जो बेडरूम है वो 9 फीट 10 इंच का मिलता है। तो इस टाइप में ये जो है पूरा पूरा जो है प्लानिंग बनाया गया था। और उसके बाद में इसका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा स्लैब रहेगा, और यहाँ पर जो है हमारे बीम रहेंगे, और यहाँ पर जो है हमारा टावर रहेगा, आप देख सकते हैं। ये जो है मोमटी रहेगा, मतलब हेडरूम रहेगा,
और इस टाइप में ये जो है डोर्स और विंडोज़ की पोजीशन रहेगी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं 20 फीट बाय 20 फीट का जो है काफ़ी छोटा सा प्लॉट था, लेकिन इसमें काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव जो है पूरा जो है प्लानिंग हमने बनाया था। तो चलिए इस डिज़ाइन के जो है फटाफट कलर ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद में इसका जो है मैप मतलब नक्शा जो है नक्शा देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है कलर ऑप्शन हमने बनाया था, एक कलर ऑप्शन और उसके बाद में ये सेकंड वाला कलर ऑप्शन है, ये भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, और उसके बाद में ये भी एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाया था। आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है पूरे पूरे जो है कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाए थे। अब इसका नक्शा जो है किस टाइप में बना था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर का नक्शा देखेंगे, आप देख सकते हैं इस टाइप में 20 फीट बाय 20 फीट का 21 फीट चेंज जो है यहाँ से यहाँ तक है। ये पूरे पूरे जो है डायमेंशन हमने बताए थे, और ये डायमेंशन जो है आप आराम से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप वीडियो को जो है प्लान को जो है आराम से समझ सकें। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और उसके बाद में ये जो है फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। तो ये पूरा जो है प्लानिंग जो है किस टाइप में बनाया था वो हमने आपको समझाने की कोशिश की थी। आशा करता हूँ आपको ये प्लान समझ में आया है। पूरा प्लान जो है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था। तो आपके शहर से किसी की मदद हो सकती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी टाइप में बहुत सारे प्लान्स बहुत सारे डिज़ाइन जो है आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।